हेलो एवरीवन, हम लोगों ने पिछले क्लास में सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, इंडिफरेंस कर, अंधिमान वक्र, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राजमान सीमांत प्रतिस्थापना का नियम, शेप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व, अंधिमान वक्र की आकृति, फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, अंधिमान वक्र की विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने गणनावाचक उपयोगिता के बारे में जाना, जहां हमने सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बारे में भी जाना। गणनावाचक उपयोगिता का सबसे बड़ा दोष है कि उपयोगिता को संख्याओं के रूप में मापता है, लेकिन उपभोक्ता अपने बंडलों को संख्याओं के रूप में नहीं, बल्कि बंडलों को वह क्रम के रूप में देखता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे चार सेट है, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, जहाँ पे एक उपभोक्ता 1 बनाना एंड 15 मैंगोज ले रहा है, तो ये एक सेट फॉर्म करता है जहाँ पे एक उपभोक्ता 1 बनाना एंड 15 मैंगोज ले रहा है। वैसे ही सेट बी है जिसमें उपभोक्ता जो है वो एक और बनाना प्रीफर किया, और जब वो एक बनाना प्रीफर कर रहा है तो वो मैंगो का जो संख्या है उसे वो घटा दे रहा है, तो ये मैंगो का जो संख्या है ये हो जाएगा 12। उसके बाद एक और सेट है, सेट सी, और सेट सी में वो एक और संख्या को बढ़ा रहा है बनाना का, और ये 3 हो जा रहा है, और यहाँ पे वो मैंगो का संख्या जो है उसे उसे कम कर देना पड़ रहा है, तो ये 10 हो जाएगा। एक और सेट है, सेट डी, और उसमें वो एक और संख्या को बढ़ा रहा है, वो 4 बनाना प्रीफर कर रहा है और मैंगो को वो 1 कम कर दे रहा है, तो उसकी संख्या हो जा रही है 9। तो ये जो है ये अलग अलग सेट है, सेट ए, बी, सी और डी। इसको जब हम इंडिफरेंस कर्व पर प्लॉट करेंगे, इन सारे संख्याओं को जब हम इंडिफरेंस कर्व पे प्लॉट करेंगे, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तो जब हम इसे इंडिफरेंस कर्व पे प्लॉट करते हैं तो हम लोगों ने बनाना इस तरफ लिया है और मैंगो इस तरफ लिया है, और यहाँ पे हमने अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, अगर वो 1 बनाना ले रहा है तो वो 15 मैंगो ले रहा है, तो हम लोग एक यहाँ पे पॉइंट इन देंगे, और अगर वो बनाना की मात्रा अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो 2 बनाना ले रहा है और 12 मैंगो ले रहा है, तो हम लोग इसके सामने यहाँ पे एक बिंदु देंगे। उसके बाद 3 बनाना और 10 मैंगोज, तो 3 बनाना यहाँ पे है और 10 मैंगोज, यानी कि ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद फिर हम 4 बनाना ले रहे हैं और मैंगोज 9 ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है, जो उपभोक्ता है, वो अगर 1 का संख्या इंक्रीज कर रहा है तो दूसरे का संख्या जो है वो डिक्रीज कर दे रहा है। तो इसका सिंपली ये मतलब होता है कि जैसे जैसे वो अधिक से अधिक वो मैंगो ले रहा है तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होते जा रही है, जो हम लोगों ने अपने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी उसकी डिक्रीज होते जा रही है, और मैंगोज की जो संख्या है वो कम लेना प्रीफर कर रहा है और बनाना की जो संख्या है उसको अधिक इंक्रीज करना प्रीफर कर रहा है, तो इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से जो इंडिफरेंस कर्व है वो नीचे की तरफ स्लोप होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंज्यूमर जो है, जब वो 1 बनाना ले रहा है तो वो 15 मैंगोज ले रहा है, फिर जैसे वो बनाना का मात्रा इंक्रीज करता है तो उसको मैंगो का मात्रा जो है वो फॉरगो करना पड़ रहा है, और उसे 3 मैंगोज फॉरगो करना पड़ रहा है। उसके बाद फिर जब वो 2 से जब एक और इंक्रीज करता है और तीसरे पे आता है तो उसको यहाँ पे 12 से 10 पे आना पड़ता है, और उसे यहाँ पे 2 मैंगो फॉरगो करना पड़ रहा है, त्यागना पड़ रहा है। और वैसे ही जब वो चौथा बनाना, जब एक और बनाना जब प्रीफर करता है तो
तो उसे फिर जो मैंगो है वो उसे 1 डिक्रीज करना पड़ रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सीमांत प्रतिस्थापना दर। तो इसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी सीमांत प्रतिस्थापन दर। और इसके वजह से ही जो इंडिफरेंस कर्व की जो आकृति होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। और इसका मतलब यह होता है कि जैसे ही वो एक वस्तु की मात्रा जो है जैसे बढ़ाता है, वैसे उसे एक वस्तु की मात्रा जो है उसे कम करना पड़ता है। मानो कि वो मैंगो की मात्रा अगर बढ़ा रहा है तो उसे केले की मात्रा कम करनी पड़ेगी, और इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इंडिफरेंस कर्व फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु। तो यहाँ पे हम लोग 5 रुपीज कॉइन और 5 रुपीज नोट का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर उपभोक्ता के पास 1 5 रुपीज कॉइन है और 8 5 रुपीज है उसके पास, तो अगर एक कॉइन अगर बढ़ाया जाएगा तो वो बस एक ही फोरगो करेगा, एक ही त्यागना चाहेगा। वो 5 रुपीज नोट वो एक ही त्यागना चाहेगा। अगर फिर उसे 1 5 रुपीज कॉइन अगर उसे और दिया जाएगा तो उसके बदले में वो एक ही 5 रुपीज नोट त्यागना चाहेगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो 1:1 होगा, यानी कि एक के बदले में बस वो एक ही त्यागना चाहता है। और जो सेप जो होगा, जो इंडिफरेंस कर्व की जो आकृति होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि उपभोक्ता जो है अगर वो एक त्याग रहा है तो वो अगर एक वो अधिक ले रहा है तो बस वो एक ही त्यागने के लिए राजी हो रहा है, और इसलिए डिफरेंस कर्व की आकृति एक स्ट्रेट लाइन होगी, वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है। यहाँ पे हम इंडिफरेंस मैप देख रहे हैं, अंतिमान मानचित्र। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये इंडिफरेंस कर्व 1 है, इंडिफरेंस कर्व 2 और इंडिफरेंस कर्व 3। इस कर्व पे कहीं पे भी उपभोक्ता जो सेट बना रहा है तो वो एक ही यूटिलिटी उसे वो कहीं भी कितना भी वस्तु इस कर्व पे लेगा तो उसे एक ही यूटिलिटी मिलेगी। और अगर वो फॉरगो भी करेगा, अगर वो गुड्स को यानी कि जो वस्तु वो ले रहा है उसको अगर वो त्यागेगा भी तो वो एक ही इंडिफरेंस कर्व पे रहेगा। और अगर एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर अगर दूसरा इंडिफरेंस कर्व है तो इस उपभोक्ता को, यानी कि उपभोक्ता अगर यहाँ जाएगा तो उसे इस इंडिफरेंस कर्व से उसे ज़्यादा यूटिलिटी, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इस इंडिफरेंस कर्व पे मिलेगी। और उसी तरीके से अगर वो और ऊपर की तरफ जाएगा तो उसे यहाँ पे उसे इन दोनों से अधिक यूटिलिटी मिलेगी। फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, अंतिमान वक्र की विशेषताएं। तो पहली जो विशेषताएँ हैं वो है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये दाएं से बाएं की ओर नीचे ये ढलाव पे जाता है। इसका मतलब यही होता है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिशिंग रहता है, इसलिए ये नीचे की तरफ ढलाव रहता है। दूसरा फीचर है हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी। उच्च अंतिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 3 इंडिफरेंस कर्व हैं तो कोई भी यहाँ पे सेट हो, यहाँ पे उपभोक्ता अपने आप को सेम ही फील करेगा, लेकिन जब वो दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे जाएगा यानी कि जब IC2 पे जाएगा तो वो अपने आप को पहले इंडिफरेंस कर्व से IC1 से वो ज़्यादा यहाँ पे सेटिस्फेक्शन फील करेगा, और इससे भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वो इससे पे फील करेगा। तो तीसरा जो फीचर है वो ये है कि 2 इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 अंतिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी उपभोक्ता अगर ए पे रहेगा तो वो बी पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फील करेगा, वैसे ही अगर वो ए पे रहेगा तो वो सी पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फील करेगा, लेकिन बी और सी जो है तो सी का पोजिशन जो है वो बी से ज़्यादा अच्छा है, इसलिए ये इस फीचर को सही नहीं ठहराता। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। और